शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हें तुम्हारे किया की सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं उस आत्मा को मारूंगी जिसकी वजह से तुम उसकी काली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तो तैयार हो जाओ उर्वशी, उस काली शक्तियाँ और उस गुलाम आत्मा का खात्मा देखने के लिए। काली रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होते ही उसका अंधेरा छट जाता है। अब सब कुछ खत्म हो गया है उर्वशी, कुछ नहीं बचा है। अब ना कोई काली शक्ति है और ना ही कोई काला साया और ना ही कोई काले मंसूबे। अब बस एक काम बाकी है, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाने का अब समय आ चुका है। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ लेकर जा रही हो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ है सब, सब बाहर आइए, मुझे अब सबसे बात करनी है। बाहर आइए सब। क्या बात है गायत्री, इतनी रात को हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? किसी से कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, पाप। आप में से किसी ने एक बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सजा किसी ना किसी रूप में आप सब भुगत रहे हैं। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? घर का भेदी लंका ढाता है और घर का दुश्मन परिवार का नाश करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए सबकी बलि चढ़ाता है। तुम कहना क्या चाह रही हो, कि हमारे इस घर में से ही कोई है जो इस घर का दुश्मन है? हाँ, और आज तक आप सब ने जितना भी दुख झेला है या जितने भी बुरे दिन देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की वजह से, और वो आपका कोई अपना ही है। गायत्री साफ साफ बताओ, ये किसके बारे में बात कर रही है और क्या किया है इसने? आपकी अपनी बेटी उर्वशी। वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है वो। इस परिवार में जितनी भी मुसीबतें आई है वो सिर्फ और सिर्फ उर्वशी की वजह से। माँ ये झूठ बोल रही है, इसकी कोई भी बात का यकीन मत करिए प्लीज। तो किस पे यकीन करें?
तुम पे, जो खुद अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने पिता का खुद खून करने चली थी। हाँ, आज आपके पति की जो कुछ भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उर्वशी है। अगर सही समय पर हम वहां नहीं पहुंच जाती तो आज शायद ये जिंदा भी नहीं होते। ये दुनिया की पहली ऐसी बेटी है जो खुद अपने बाप का खून करने चली। झूठ झूठ बोल रही है ये। ये ऐसे इल्जाम मुझ पे इसलिए लगा रही है क्योंकि मैं इसकी बात नहीं मानती, इसके हुक्म नहीं मानती। इसलिए मेरी फैमिली के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें नीचे दिखा रही हूँ ताकि तुम देख सको और एहसास कर सको कि तुम कितना नीचे गिर चुकी हो। और जो गिरे हुए होते हैं वो इस तरह सिर उठाकर बात नहीं करते। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों है घर में? आत्मा की मुक्ति के साथ साथ गौरव भी मेरे वशीकरण से मुक्त हो गया। इससे पहले कि गहना की बातों में सब आकर मुझे इस घर से निकालें, मुझे कुछ करना होगा। कोई बताएगा हमें क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं बताती हूँ। ये गायत्री ना मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि इस घर में जो भी कुछ बुरा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से होता है। गौरव, क्या मैं ऐसी हूँ? क्या तुम्हारी पत्नी उर्वशी ऐसी है? गौरव, मैं जानती हूँ कि तुम अब इसकी कोई भी बात नहीं मानोगे। अब तुम पर किसी का भी जोर नहीं है। तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ चुकी है गौरव, और सबसे बड़ी सच्चाई तो मैं हूं, तुम्हारी गहना। मैं तुम्हारी गहना हूँ। मैं इस घर में गायत्री बनकर आई, और उसकी वजह भी ये उर्वशी है। गौरव, जब मैं इस घर में नहीं थी मुझे उर्वशी की सारी सच्चाई पता चल चुकी। उसका सारा झूठ, सारा फरेब उसने कैसे वशीकरण कर दिया था तुम्हारे ऊपर, और वो वशीकरण इतनी हद तक जा चुका था कि तुम मेरा नाम तक भूल गए। इसलिए मुझे गायत्री बनकर इस घर में आना पड़ा ताकि मैं उर्वशी के झूठ का पर्दाफाश कर सकूं। उर्वशी ने तुम्हारे ऊपर जो वशीकरण करके रखा था उस वशीकरण के चलते उसने पिताजी पर भी हमला किया। वो उनकी जान ले लेना चाहती थी। लाल किताब से सारी शक्तियां अपनी कर सके। उन काली शक्तियों से वो सब पर काबू पाना चाहती थी। तुम्हें वो अपने वश में रखना चाहती थी। इन सारे मंत्रों की वजह से वो तुम्हें इतना कंट्रोल करती थी कि वो जो कुछ भी बोलती थी तुम वही बोलते थे गौरव। ऐसा लगता ही नहीं था कि तुम वो गौरव हो जो मेरा है, जिससे मेरी शादी हुई है। उसने तुम्हें कठपुतली बनाकर रख दिया था गौरव। लेकिन अब वो वशीकरण टूट चुका है। तोड़ दिया मैंने उसका वशीकरण। इसलिए गौरव पहचानो, अब पहचानो खुद को। तुम गौरव हो, मेरे गौरव। मुझे पहचानो गौरव, मैं तुम्हारी गहना हूँ। और इसे पहचानो, ये उर्वशी हम सबकी दुश्मन है।
गौरव निकाल दो इसे घर से और बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी पर इल्जाम लगाने की? एक बार तुम्हें गलती से गहना क्या बोल दिया तुम अपने आप को गहना समझने लगी? आज के बाद हमारी बीवी के बारे में कुछ भी कहा ना तो हम गौरव नहीं, गौरव उर्वशी तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। बकवास बंद करो अपनी, हमें नहीं पता तुम ये सब क्या बोल रही हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उर्वशी सही और तुम गलत, झूठी हो तुम। पता नहीं कहां से गहना के बारे में जानकारी लेकर आई और उस पे झूठ सच लगाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रही हो। गहना हमारा गुजरा हुआ कल था, उर्वशी हमारा आज है। हमने इनसे शादी की है और ये हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। गौरव ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रही है, उसका ये प्रेगनेंसी का भी नाटक है। क्या बोला तुमने, प्रेगनेंसी का वो नाटक कर रही है? क्या किया तुमने हमारे बच्चे के साथ, बताओ क्या किया तुमने हमारे बच्चे के साथ? उर्वशी क्या किया इसने हमारे बच्चे के साथ में? गौरव हमारा यकीन कर, ये बच्चे का झूठा नाटक कर रही है, प्रेग्नेंट नहीं है। एकदम चुप। अब एक शब्द भी और नहीं, दूर रहो हमारी बीवी से। और एक बात बताएं तुम्हें, ना तुम गहना हो ना तुम गायत्री हो, बल्कि तुम सर से लेकर पांव तक एक बहरूपी आओ, झूठ की मूरत जो अपने चेहरे बदल के लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। गहना ने हमारे साथ जो भी किया सब ठीक है, लेकिन हमारी गहना अपनी बहन के साथ ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती, उसके बारे में ये सब नहीं बोल सकती। आज के बाद उर्वशी से दूर रहना। हम गहना की इज्जत करते हैं, अपनी पत्नी उर्वशी से प्यार करते हैं, और तुमसे हम नफरत करते हैं। चलो उर्वशी। गौरव, गौरव ऐसा मत कहो, तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम हमसे नाराज मत हो। गौरव तुम्हें पाने के लिए तो हमने अपना रूप बदला था, इसलिए तो हम गायत्री बनकर इस घर में आए। गौरव जब हम गायत्री बनकर इस घर में आए थे, उसी वक्त तुमने हमें पहचान लिया था, जबकि उर्वशी का वशीकरण तुम पर था। वो हमारे प्यार की ताकत थी। गौरव याद करो हमारे उस प्यार को। गौरव हम तुम्हारी गहना, तुम्हारी अपनी गहना। क्या बोल रही हो तुम? चलो उर्वशी। बोल तो यही रही है और सच बोल रही है। उर्वशी ने गौरव के वशीकरण किया तो था ना? वशीकरण टूट गया तो फिर ये गहना को पहचान क्यों नहीं रहा? या ये लेफ्ट राइट चलना बंद करोगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे बताओगी करना क्या है? करना क्या है, तुम्हारी बहन उर्वशी को रोकना है, उसकी शक्तियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इस बार उर्वशी ने जरूर कोई बड़ा कांड किया है। याद है गहना क्या कह रही थी? कहा था कि उसने गौरव का वशीकरण तोड़ दिया है, और अगर सच में गहना ने ऐसा किया है तो गौरव अब भी उर्वशी का साइड क्यों ले रहा है?
क्यों उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? और अगर ये गायत्री सच में गहना है तो गौरव उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा है? क्यों उसे महसूस नहीं हो रहा है कि उसकी ही गहना उसके सामने खड़ी है? हो ना हो, इसके पीछे उर्वशी की कोई ना कोई बड़ी छुपी हुई शक्ति है जिसने गौरव को अब भी बांध के रखा है। बात तो सही है, गौरव गहना को पहचान क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो गहना है ही नहीं, वो उसकी हम शक्ल है। ये क्या बोल रहे हो तुम रॉनी? उसकी पूरी की हिस्ट्री निकाली है मैंने। गहना जैसी कमजोर और बेसहारा लड़कियों को वो सहारा देती है और उसके बाद ऐसे ही किसी बड़े घर में भेजती है ताकि वो वहां से पैसे लूट सके। फिर तो हमसे गलती हो गई, इसका मतलब हमें उर्वशी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है, देखना बहुत जल्दी सबसे पहले इस घर को और फिर सारी प्रॉपर्टी को वो अपने नाम कर लेगी। चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है तो हम क्यों ना करें? उर्वशी की नजर में हम उसके साथ खड़े, उसके अपने बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। उर्वशी दीदी से दुश्मनी करने के लिए हमने इतना कुछ किया, तो सोचो उन्हें अपना बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम उनका विश्वास जीत सके। सब लोग सोचो कि करना क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी पर इल्जाम लगाने की? एक बार तुम्हें गलती से गहना क्या बोल दिया, तुम अपने आप को गहना समझने लगी? हम गहना की इज्जत करते हैं, अपनी पत्नी उर्वशी से प्यार करते हैं, पर तुमसे हम नफरत करते हैं। वो आत्मा उसके खत्म हो जाने के बाद उर्वशी का काला जादू तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो फिर गौरव हमारे साथ ऐसा क्यों पेश आ रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि गौरव अभी भी उर्वशी के वश में है? कितनी तरफदारी कर रहा है वो उर्वशी की, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उर्वशी के पास और भी कोई शक्तियां हो जो उसने हमसे छुपा रखी हो? कौन सी शक्तियां है ये, इसका हम पता लगा कर ही रहेंगे। का नाम गायत्री है? हाँ, नहीं, हम गैन। आपको अरेस्ट किया जाता है। क्यों? मैंने क्या किया? फर्जी नाम के साथ किसी की हमशक्ल बनके आपने चौधरी परिवार के साथ धोखाधड़ी की है। हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमारा नाम गहना ही है, और बाद में हमने गायत्री। देखिए, आप गहना हो या गायत्री, हम सब पता कर लेंगे। अभी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट कीजिए ना। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव, अगर ये वापस आ गई तो। अब डरिए मत, हम है ना, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमें तो क्या अपना नाम तक भूल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, गहना हमारी फैमिली मेंबर थी, कुछ दिनों से लापता है। किसी दुर्गेश्वरी की मदद से ये हमारे घर में आ गई। हमें लगता है कि गहना का खून इसी ने किया है। गौरव, हम ही गहना है। गौरव, ये सब क्या बोल रहे हो?
इंस्पेक्टर साहब, हम पर जानलेवा हमला हुआ था लेकिन हम बच गए। और जब हम वापस आए तो हमने गहना की जगह हमारा नाम गायत्री कर दिया ताकि कोई हम पर दोबारा से हमला ना कर सके। हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। गौरव, हमारा यकीन करो, हम गहना ही है। तुम अगर इतना ही है तो तुम हमें छू कर देखो। तुम्हें अपनी गहना का एहसास हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, आप इसे ले जाइए यहां से। गौरव, हम तुम्हारी गहना है। गौरव ऐसा मत कर। गौरव, हम ही तुम्हारी गहना है। गौरव को आजाद करने चले थे और खुद कानून के कैद में चले गए। अब तुम रहोगी जेल में और मैं रहूंगी गौरव की बाहों में। पिताजी, आप तो हमें पहचानते हैं। कहिए ना इन सबसे कि हम गहना है, हम आपकी गहना है। उस दिन जब हम गायत्री बनकर इस घर में आए थे तब आपने हमें गहना कहकर पुकारा था ना, इसका मतलब तो वही हुआ कि आप हमें पहचान गए थे। पिताजी, कहिए ना इन सबसे कि हम आपकी गहना है। ये लोग मुझे मेरे ही खून के इल्जाम में जेल भिजवा रहे। इन सबके साथ तो हमारा रिश्ता कैसा भी हो लेकिन आपसे हमारा रिश्ता तो खून का है ना, और खून के रिश्ते अपने खून को पहचानने में कभी गलती नहीं करते। पिताजी, कहिए ना इन सबसे कि हम आपकी गहना है। हाथ छोड़ो इनका। मेरी बहन का खून करके मेरे पापा से रिश्ता जोड़ रही हो तुम? ये हमारे भी पिताजी हैं। इस घर में तुम्हारा कोई नहीं है और आज के बाद यहाँ किसी को हाथ मत लगाना। मैं जानती हूँ कि तुम सबको छू कर सब पर काला जादू करना चाहती हो, इसलिए दूर रहो सबसे, समझी? और आप लोग प्लीज इसे ले जाइए, प्लीज। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ एंड ऑनेस्टली तुम्हारे चक्कर में ना मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कौन सी शक्ति है उर्वशी के पास, वो अभी भी गौरव को अपने वश में कर रखा है। जब उसे पता चलेगा ना हमारे बारे में तो हमें ढूंढती हुई यहाँ तक चली आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।